हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ममता फैशन स्टूडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में बेबी का लहंगा बनाएंगे और चोली भी बनाएंगे साथ में। तो इसके लिए मैंने ये एक ब्रोकेट का फैब्रिक लिया है और ये एक नॉर्मल फैब्रिक लिया है कॉटन का, और ये मैंने एक चौड़ी लेस ली हुई है और एक पतली लेस का भी यूज़ करूँगी मैं। आप अपनी चॉइस की कोई भी लेस ले सकते हैं। तो इतना जो है मटेरियल मैंने ले लिया है जिसकी हेल्प से हम लहंगा बनाएंगे। तो सबसे पहले चोली का पार्ट बनाने के लिए मैंने ये एक लाइनिंग का फैब्रिक लिया है, ये देखिए फोल्ड करके रखा हुआ है। तो फोल्ड करने के बाद इसकी विड्थ जो है वो 9.25 है और इसकी लेंथ जो है वो 13 इंचेस है। तो 13 इंचेस की तरफ से ही हम इसे दोबारा से फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। अब जो ऊपर की तरफ से फोल्ड वाला साइड है वहाँ पर 2 इंचेस पर निशान लगा लूँगी, और नेक की जो लेंथ है वो 2.5 इंचेस पर लगाऊँगी निशान, और एक बॉक्स बनाकर रेडी कर लेंगे। तो राउंड शेप में मैंने नेक का जो है वो शेप भी लगा दिया है। अब इसके शोल्डर देख लेते हैं। तो शोल्डर मैं 4 इंचेस पर रखूँगी और आर्म होल जो है वो भी मैं 4 इंचेस ही लूँगी, ये देखिए इस तरीके से। तो 4 इंचेस पर मैंने आर्म होल का भी निशान लगा दिया है और उसको राउंड शेप भी दे दिया है। तो इसकी जो विड्थ है ना वो हम पूरा ले लेंगे। वैसे हमें चेस्ट 5.5 इंचेस चाहिए और 1 इंचेस मैं एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लूँगी, और नीचे का हमें 5 चाहिए तो हम वो भी ले लेंगे पूरा। बाद में हम निशान लगाएंगे यहाँ पे फिटिंग का। अब इसको ओपन कर लेंगे और जो नेक वाला हमारा शेप है उस शेप को इस तरीके से दूसरी तरफ शोल्डर की ओर मिला देंगे। आप चाहें ना गाइस तो यहाँ पर भी 4 इंचेस पर निशान लगा सकते हैं आर्म होल का। मैंने वो नहीं लगाया, डायरेक्ट शेप दे दिए। उसके बाद मैंने ये दोनों आर्म होल कट कर लिए हैं। कट करने के बाद अब इसको हम मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे जो हमारा ब्रोकेट का फैब्रिक हमने लिया है। शोल्डर देख लीजिए, हमने 4 इंचेस लिए हैं। ये वाला हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, वरना ये थोड़ा बड़ा दिखता, हम यहाँ पे स्लीव नहीं लगाएंगे इसलिए। तो मैंने ये फैब्रिक पर अटैच कर लिया, पूरे पे अटैच कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। मैं एक और फैब्रिक लूँगी स्लीव बनाने के लिए। तो जिसके कपड़े की जो चौड़ाई वो 4 इंचेस है और लंबाई मैंने इसकी 20 इंचेस ली है, ये देखिए। तो इसको सेंटर से फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, और उसके बाद इसको एक और बार फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से इस तरीके से गोलाई देते हुए कटिंग कर लेंगे। अब गोलाई देते हुए कटिंग मैंने कर लिया। अब इसमें मैं छोटी छोटी सी इस तरीके से प्लेट्स बना लूँगी, ये देखिए। आप चाहें तो इसकी जगह ना लॉन्ग फ्रिल स्लीव भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर छोटी सी फ्रिल स्लीव लगाऊँगी, ये देखिए। तो इस तरीके से मैंने फ्रिल भी बनाकर रेडी कर ली है। अब इसको हम स्लीव में लगा लेंगे। तो स्लीव वाला जो साइड है यहाँ से मैं पिन निकाल लूँगी ताकि हम जो हमने फ्रिल बना के रेडी की है उसको अंदर की तरफ अटैच कर सकें। अब इस तरीके से इसको रख लेंगे और सुई की हेल्प से अटैच कर लेंगे। पिंस लगा लूँगी। आप ना इसे बाद में भी लगा सकते हैं। मैंने इसको इसी के साथ कर दिया क्योंकि शोल्डर तो हमारा रेडी हो ही जाएगा ऐसे स्टिच करके, अदरवाइज़ हमें बाद में पलट पट्टी लगाना पड़ता है, इसीलिए मैंने पहले ही इसको रख लिया है। बाकी आपकी चॉइस है, आप कैसे भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसको अंदर की तरफ रख लिया है और पिंस लगा दिए। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिलाई लगा दूँगी और स्लीव भी हमारी अटैच हो जाएगी और इस तरह से मेन फैब्रिक भी अटैच हो जाएगा, ये देखिए। अब इसके नेक पर और जहाँ जहाँ पर हमें सिलाई लगानी है वो हम लगा लेंगे। तो सबसे पहले मैंने स्लीव वाला साइड ही लिया है, स्लीव वाला साइड ही अटैच करूँगी सबसे पहले। उसके बाद जो हमारा नेक वाला साइड है वो वाला साइड ले लेंगे, ये देखिए। तो गाइस, ये जो लहंगा है ना ये आप 1 से 2 साल के बेबी के लिए बना सकते हैं, बाकी आप साइज़ के अकॉर्डिंग लें। तो अब जो कमर वाला साइड है मैंने वहाँ पर भी सिलाई लगा ली है, ये देखिए इस तरीके से। अब जो इसके पिन्स हैं उनको निकाल लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी भी कटिंग कर देंगे। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है ना गाइस, इसको आपको फेंकना नहीं है, ये हमारे लटकन वगैरह बनाने में बहुत यूज़फुल होता है। तो सारा कपड़ा जो है एक्स्ट्रा कटिंग कर लिया और उसके बाद कट्स लगा के इसको फोल्ड कर देंगे। तो अब इसमें मैं कट्स लगा लूँगी। कट्स लगाने के बाद इसको फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद आप इसको आयरन भी कर लें, ये देखिए। तो इस तरीके से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। प्रॉपरली हमारा ये स्टिच हो गया, बस इसके साइड्स रह गए हैं जहाँ पे हम फिटिंग लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके का ये जो है बनकर रेडी हुआ है।
अब इस पे आप आयरन कर ले ताकि जो ये कपड़ा निकल रहा है ये ना निकले। तो अब मैंने ये एक और फैब्रिक लिया जिसकी लंबाई और चौड़ाई 4 इंचेस है। फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और इसको कट करके राउंड शेप दे देंगे। लटकन बनाकर रेडी करूँगी मैं इसमें से। जो हमारी ऊपर की चोली है उसमें भी हम टसल्स लगाएंगे और लहंगे में भी। तो अब मैंने इसको इस तरीके से रख लिया और इसके कॉर्नर राउंड शेप में सिलाई लगा लेंगे इसमें इस तरीके से। और अब इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे और एक कट मैं इसके सेंटर में लगाऊंगी क्योंकि हम एक राउंड शेप में से 2 टसल बनाकर रेडी करेंगे इस तरीके से। और अब इसको ओपन करने के बाद मैं इसके ऊपर एक और सिलाई लगाऊंगी। आप चाहें तो आयरन भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसी तरीके से दूसरा वाला जो लटकन है उसको भी स्टिच कर लेंगे। आप चाहें तो लटकन के अंदर ना कैनवास भी लगा सकते हैं जिससे इसकी शेप थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। ये देखिए तो लटकन मैंने दोनों बनाकर रेडी कर लिया। अब मैंने जो ये डोरी लिया ना गाइस, ये थोड़ा मैंने चौड़ी डोरी ली हुई है। आप चाहें तो पतली भी बना सकते हैं, मैंने थोड़ा सा मोटी ली हुई है। ये देखिए एक्स्ट्रा ज़्यादा कपड़े की मैंने ये बनाई थी। इस तरीके से वन साइड में मैं 2 टसल लगा कर रेडी कर लूँगी। ये देखिए आप भी इस तरीके से स्टिच कर लें या फिर आप अपने पसंद का कोई भी लटकन लगा सकते हैं। बो शेप में भी आप बना सकते हैं इसको। तो इसी तरीके से लटकन बनाकर मैं रेडी कर लूँगी चोली में लगाने के लिए। तो अब मैं चोली वाला फैब्रिक ले लूँगी जो कि हमने आयरन करके रेडी कर लिया है। तो अब इसका मेजर ले लेंगे हम। तो जो हमारा नेक की विड्थ थी वो 4 इंचेस थी, तो हम 4 इंचेस पर ही निशान लगाएंगे। ये देखिए 4.5 इंचेस पर मैंने निशान लगाया। अब यहीं पर हम लटकन जो हमने टसल बनाकर रेडी किया है डोरी उसको रख लेंगे और साथ में एक पूरी में सिलाई भी लगा देंगे ताकि ये हमारा पक्का हो जाए एकदम, क्योंकि हमने अभी इसके ऊपर ऊपर जो स्टिच लगाते हैं वो नहीं लगाया है। तो मैंने ये डोरी ले ली है, अब वो स्टिच भी मैं इस पर लगा दूँगी। ये देखिए और अब इसमें मैं नेक पे ये सिलाई जो है वो पूरे में लगा लूँगी। दूसरी साइड भी डोरी लगा कर रेडी कर दी है मैंने। अब वेस्ट वाला जो हमारा साइड है ना वहाँ पर भी हम स्टिच कर लेंगे। पूरा जो अस्तर है हमारा लाइनिंग को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे इससे सिलाई से। ये देखिए स्लीव वाली साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए पूरा जो है मैंने कम्प्लीटली स्टिच कर कर रेडी कर लिया है ये ऊपर का पार्ट। अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये यहाँ पे नोट लग जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फिटिंग हम बाद में लगाएंगे। इस बेबीज़ के जो कपड़े होते हैं ना ज़्यादा फिटिंग का मार्जिन लेने का कोई ज़रूरत होता नहीं क्योंकि ज़्यादा पहन पाते नहीं है, इसीलिए मैंने 1 इंचेस का ही मार्जिन लिया था। तो अब इसको फोल्ड करके मैंने रख लिया इसमें फ़िटिंग का निशान लगाने के लिए। तो ये देखिए ऊपर से 5 एंड हाफ इंचेस पर निशान लगाऊंगी मैं और नीचे से 5 इंचेस पर निशान लगाएंगे और इन निशानों को मिला देंगे और यहीं पर हम एक सिलाई लगा देंगे बस। और हमारा जो है ये चोली वाला पार्ट वो बनकर रेडी हो जाएगा पूरा। उसके बाद हम अपनी स्कर्ट रेडी करेंगे नीचे का बॉटम। तो ये देखिए आप बाद में ना बेबी को पहनाने के बाद भी इसको ढीला टाइट कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा रेडी हो गया है पार्ट। अब इसको मैं सीधा कर देती हूँ। ये देखिए तो कुछ इस तरीके का ये हमारा ब्लाउज़ बनकर रेडी हुआ है। अब इसका लहंगा जो है वो बनाकर हम रेडी कर लेते हैं। ये देखिए तो अब मैं इसके लहंगे के लिए कपड़ा ले लेती हूँ। तो मैंने जो ये कपड़ा लिया हुआ है इसकी जो लंबाई है वो 15 इंचेस है और फोल्ड करके मैंने ये कपड़ा रखा हुआ है और विड्थ जो है इसकी वो मैंने 21 इंचेस लिया यानी कि 42 इंचेस ली हुई है टोटल। अब मैंने ये एक और फैब्रिक लिया है जो हम ऊपर की बेल्ट बनाएंगे, तो 11 इंचेस लिया। वैसे मुझे 9 ही चाहिए रेडी, 2 इंचेस मैंने एक्स्ट्रा लिया है। और विड्थ जो लिया मैंने 4.25 इंचेस है। इस तरीके से ये फोल्ड हो जाएगी।
तो सबसे पहले मैंने लहंगे वाला पार्ट ले लूँगी, नीचे वाला। इसमें मैं नीचे ये जो ब्रोकेट का जो फैब्रिक था हमारा चोली वाला, उसका मैं एक बॉर्डर बनाकर रेडी करूँगी। तो ब्रोकेट वाले फैब्रिक को मैंने उल्टी तरफ रखा हुआ है अभी, और एक सिलाई लगा लेंगे इसके कॉर्नर पर, जिससे कि हम इसको अटैच करेंगे इसमें। तो इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे हम। आप इसको लगाना स्किप भी कर सकते हैं, आप चाहे तो सिर्फ लेसेस ही लगाएं, बट मेरे पास ये थोड़ा बच रहा था तो मैंने इसको लगा लिया है। ये देखिए, तो इस तरीके से अब इसको फैब्रिक को उल्टा करके एक और सिलाई लगा लेंगे मार्जिन के ऊपर। मार्जिन देखना है आपको, मार्जिन उस साइड रखना जहाँ से जहाँ पर आप सिलाई लगा रहे हो। तो इसी तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे पूरे में, जहाँ पर हमने बॉर्डर अटैच किया वहाँ तक। ये देखिए, आप ना फैब्रिक ट्रायंगल्स भी लगा सकते हैं गाइस, अगर आपके बॉर्डर जितना कपड़ा नहीं बच रहा है तो। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करके अच्छे से बॉर्डर बनाकर क्रिएट कर लेंगे। और अगर आपका इस तरीके से बॉर्डर नहीं बन पा रहा है ना, तो आप इसके ऊपर कैनवास लगा लें, जिससे कि ये ईजिली बन जाएगा अच्छे से। 1/2 इंचेस तकरीबन कपड़ा फोल्ड करेंगे और उसके बाद सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, तो यहाँ भी मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखिए, पूरे में इसी तरीके से सिलाई लगाकर बॉर्डर बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए, तो बॉर्डर जो है वो मेरा पूरे में अटैच हो गया है। अब मैं लेस ले लूँगी जो हमने लेस लिए लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने ये वाली लेस ली हुई है, इसको मैं लगा लूँगी चौड़ी वाली, तकरीबन 1 इंचेस वेट है इस लेस की। आप चाहे तो इसको लगाना स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट गोटा भी लगा सकते हैं यहाँ पर, पूरे में गोटे से डिज़ाइन हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। तो पहले मैंने ये चौड़ी वाली लेस लगा कर रेडी कर लिया, अब मैंने एक पतला सा गोटा लिया है उसको लगाऊंगी मैं, या आप इसको लगाना स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं इसको यहाँ पर अटैच कर दूंगी। तकरीबन 1/2 इंचेस ऊपर मैंने इसको अटैच किया है, आप इसकी एक या दो लाइंस भी बना सकते हैं, मैंने एक ही लाइन अटैच की है। ये देखिए इस तरीके से, तो इसको मैं यहाँ पे स्टिच अटैच कर दूंगी पूरे को। गाइस, ऐसी बेबीज़ की और भी ड्रेस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी नेक डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन, और लेफ्ट ओवर फैब्रिक में से कुर्ती जैसे हम बनाते हैं, उसके भी आपको मिल जाएगा। तो जो मैंने लेस अटैच की थी उसके ही दूसरी साइड पर मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखिए, तो बॉर्डर नीचे से बनकर रेडी हो गया है। अब ऊपर से मैं इसका नेफा वाला जो पोर्शन है वो मैंने ले लिया है पट्टी। ये देखिए, इसको यहाँ से इस तरीके से तो फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। गाइस, ये सिलाई ना मैं दोनों साइड लगा लेनी है, तो दोनों साइड मैंने सिलाई लगा लिया। इसका जो ये है हमने पक्का कर लिया है। अब यहाँ पे मैं अपनी फ्रॉक ले लूँगी, नीचे की स्कर्ट। तो नेफे के सीधे वाले साइड पे हमें स्कर्ट का उल्टा वाला हिस्सा रखना है, और छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाकर रेडी कर लेनी है। आप चाहे तो चुन्नटे भी बना सकते हैं, मैंने प्लेट्स बनाई हैं। बाकी प्लेट्स आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि सारे में बराबर प्लेट्स आएँ, इस तरीके से आपको लगाना है। मैंने तकरीबन 1-1 इंचेस की दूरी पर प्लेट्स लगाई हैं, कुछ 1.5 पे भी हो गई हैं। तो आप भी इसी तरीके से लगा लें बराबर एकदम। तो प्लेट्स लगा कर रेडी कर लेते हैं। गाइस, घेरना आपको स्कर्ट का बच्चे के अकॉर्डिंग रखना है। ये देखिए, तो इस तरीके से मैं सारी प्लेट्स बनाकर रेडी कर लूँगी। ये देखिए, तो प्लेट्स जो हैं हमारी वो भी पूरी बन गई हैं। अब इसको फोल्ड करेंगे हम। ये देखिए, नेफे को सीधी तरफ फोल्ड करके लाएंगे अब, और एक पक्की सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर से इस तरीके से। आपको ये देखना है कि बीच में कोई भी चुन्नटे ना आए इसके, और अच्छे से फिनिशिंग में हमारा ये फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, तो ये हमारा फोल्ड हो गया है। तो मैंने फोल्ड करने के बाद गाइज मैं यहाँ पे गोटा लगा लूँगी।
जो हमने नीचे लगाया हुआ था वही वाला। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं या पाइपिंग वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से गोटा लगा लूँगी। ये देखिए, फोल्ड करके मैंने जो हमारी लेस है उसको अच्छे से अटैच कर लिया है इस तरीके से। तो स्कर्ट भी जो है वो हमारी लगभग बनकर रेडी हो गई है। अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, पक्की सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। नेफा जहाँ तक है हमारा वहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। तो स्कर्ट भी जो है वो हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो गाइस, ड्रेस जो है हमारा वो पूरा बनकर रेडी हो गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो गाइस ये हमारे ड्रेस पूरा बनकर रेडी हो गया है। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।